हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड क्वेश्चन एसटीआर पे लगाने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि यहाँ पे तीन फ्रेम दिए हुए हैं। गिवन है ए एंड बी आर टू पार्टिकल्स इन द फ्रेम एस एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज वी ए। मीन्स कि यहाँ पे मैं तीन पार्टिकल्स का फ्रेम बना रहा हूँ। ओके, एक फ्रेम है एस, एक है ए और एक है बी। तो पहली पॉइंट ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज वी ए अलोंग आई कैप। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस इज वी बी अलोंग एक्स डायरेक्शन। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए, ऐसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात की, हम तीनों फ्रेम्स को ऐसे लिख देंगे। हमको चूज करना है कि एस एस डैश ऑफ पार्टिकल, इन तीनों की वेलोसिटीज, ये इन तीनों फ्रेम्स कौन कौन से हैं। तो मैं एस को ऐसे ही मानता हूँ, एस डैश को लेट से एस डैश मान लिया और बी को मैंने मान लिया पार्टिकल एस बी। तो स्ट्रक्चर फॉर्म करो जिस तरह हम पिछले लेक्चर्स में बनाए हैं, और ये डिसाइड करो कि तुमको निकालना क्या है। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस दे रखा है, तो ये दे रखा है वी आई कैप। ओके, एंड वी बी विद रिस्पेक्ट टू एस दे रखा है, ये दे रखा है वी बी आई कैप। ओके, तो अब कंपेयर करो, ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी वी, ये होता है यू एक्स डैश और ये होता है यू एक्स। ओके, तो यहाँ पे v पता है, ux पता है, आपको निकालना है क्या है, ux डैश। सिंपल, आपको एक बार बस ये पता चल जाए कि आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, इजीली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है ux डैश। ओके, v वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो ux डैश अगर हम निकालें तो क्या कैसे निकलेगा, ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस यू एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर। ओके, यू एक्स डैश कितना है, तो सॉरी यू एक्स डैश नहीं, ये यू एक्स। ओके, यू एक्स कितना है यहाँ पे, वी बी माइनस वी ए अपॉन 1 माइनस वी बी वी ए बाय सी स्क्वायर। ओके, अलॉन्ग आई कैप, और यही आपका है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। ओके, यही निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सिंपल, यू एक्स डैश आपने निकल लिया। तो सिंपली फिर से मैं लाइन रिपीट करूंगा, आपको सबसे पहले ये डायग्राम बना के ये डिसाइड करना है कि आपको निकालना क्या है यहाँ पे। तो आपको वी यहाँ से मिल जाएगा, यू एक्स आपको पता चल गया, लेकिन यू एक्स डैश आपको पता नहीं है, तो आपको यू एक्स डैश से फाइंड आउट करना है। ओके, सेकेंड पॉइंट जो दिया, ये पहला क्वेश्चन पॉइंट हो गया, ए पॉइंट का क्लियर हो गया। बी पॉइंट जो दिया है वो दिया है कि चेक व्हाट हैपन विद वी बी बाय सी इज जी टेंस टू जीरो। इफ वी बी बाय सी टेंस टू जीरो, ओके, तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा और हमको यू एक्स डैश मिल जाएगा वी बी माइनस वी ए आई कैप। ओके, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आप न्यूटन मैकेनिक्स पढ़े हो तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो एक जनरल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। जब भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सी इज वेरी स्मॉल, तो वो सारे सारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सी पॉइंट जो है वो कहता है कि चेक व्हाट विल हैपन व्हेन वी बी इज इक्वल टू सी। ओके, करके देखते हैं, तो यू एक्स टेस्ट कितना आ जाएगा, अगर वी बी को मैं सी पुट करता हूँ तो सी माइनस वी ए अपॉन 1 माइनस वी ए बाय सी इज इक्वल टू सी माइनस वी ए अपॉन सी माइनस वी ए इंटू सी इज इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रूव हो रही हैं जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताए थे। पहला ये पॉइंट था कि जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बहुत छोटा हो स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ये पॉइंट कि लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरियंट विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनवेरियंट, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अगले क्वेश्चन अगले